हेलो गाइस, आज हम आए हैं 8वीं बटालियन पीएसी जनपद बरेली में। आज हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं जिसकी ट्रेनिंग हो रही है। ये हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ आए हैं। ये लेफ्ट साइड में ग्राउंड है जहाँ पर ट्रेनिंग होती है रिक्रूट की, और यहाँ पर भी ड्यूटी लगती है। ये रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पर। यहाँ पर दो ग्राउंड लगातार है, एक पीछे की तरफ है एक आगे की तरफ है, और यहाँ पर भी ड्यूटी लगती है। अभी रिक्रूट का रेस्ट का टाइम है अभी, इसलिए कोई ग्राउंड में नहीं है, नहीं तो सभी ग्राउंड में ही मिलते। इसलिए हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमें रह रहे हैं। ये देखिए, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र 8वीं वाहिनी पीएससी बरेली। ये जिमनेजियम है। ये रंग रूट की बैरिक है यहाँ पर, ये सब रहते हैं। ये ऊपर नीचे बना हुआ है, और ये लेफ्ट साइड में जो ऊंची बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें बोल रहे हैं कि आगे से जो भर्ती नहीं आएगी उसमें लड़कियाँ भी शामिल हो सकती हैं, इसलिए लड़कियों के लिए शायद बन रहा है। इसमें टोटल 200 जने एक बार में आ सकते हैं, रह सकते हैं, यहीं पर ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं। ये देखिए, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश, ये सब रहने का है। रंगरूट यहाँ पर रहते हैं। ये जलपान और कैंटीन, छोटी कैंटीन है, यहाँ पे थोड़ा खाने का मिल जाता है, खाने का जूस वगैरह मिल जाता है। और ये देखिए, पूरा 10 मंजिल इमारत है। ये देखिए कितना बड़ा है। इसमें शायद अभी तक लिफ्ट नहीं लगी है। 10 माले का मंजिल। यहाँ पर थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था है, जो भी अपना नाश्ता करना हो, फल फ्रूट वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पर। ये देखिए, पूरा 10 मंजिल इमारत है। लिफ्ट अभी नहीं लगी है इसमें, लिफ्ट आगे लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। अब बैरिक में आ गए हैं। ये देखिए बैरिक किस तरह से है यहाँ पर, सभी जवान रहते हैं, मच्छरदानी लगी हुई है। ये बाहर का पोर्शन है 8वीं वाहिनी, ये मेन रोड पर है, और सामने हॉस्पिटल भी है। अगर कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये देखिए सर।